में शामिल है, इसी के साथ पुलिस भी लिख करके लोग गाड़ियों का उपयोग कर रहे हैं सर, इनको लेकर बिल्कुल ये अभी हमने जो एक उसमें पकड़ा भी गया था, इसी प्रकार पहले भी देखा गया है कि जो अपनी गाड़ियों पे प्रेस या पुलिस या अन्य चीजों लिख के जो लोग घूमते हैं और जिनका किसी भी तरीके से जो सही मीडिया या सही पत्रकार या पुलिस उससे संबंध नहीं है, अनावश्यक उसका यूज करते हुए और उसको घूम रहे हैं, तो उनके खिलाफ इसमें कार्रवाई की जाएगी और चेकिंग की जाएगी और कोई भी इस तरह का अवैध रूप से यूज करते हुए पाया जाए तो उसके खिलाफ संबंधित वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। हमारे चौकड़ी ना मचाए लोग किस तरह की सख्ती रहेगी? जैसा हम लोग जानते हैं कोरोना का खतरा वापस से फिर से मंडराता है ओमिक्रॉन वेरिएंट के रूप में, जिसकी वजह से 11 बजे से सुबह 6 बजे तक का लॉकडाउन कोरोना कर्फ्यू आदेशित किया गया है और जिसका गंभीरतापूर्वक पालन कराया जा रहा है और आगे इसमें और कड़ाई इसमें बढ़ती जाएगी, जिसके तारतम्य में लगातार चेकिंग और पेट्रोलिंग की जाएगी और कोई भी व्यक्ति इसका उल्लंघन अनावश्यक रूप से करता हुआ पाया जाएगा तो उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। और इसमें इसके अभी जो हमारा ये नया साल जो अंग्रेजी नए वर्ष का त्यौहार भी मनाया जाता है तो उसमें भी इस तरह से लोग 12 बजे निकलते थे, उनसे भी अपील है कि 11 से 6 बजे का जो कर्फ्यू है उसका पूर्णतः पालन करें, अन्यथा उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।